दोस्तों आज इस वीडियो में हम आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा पावरफुल पांच महिलाओं के बारे में बताएंगे जो हमेशा चर्चा में बनी रहती हैं। विश्व की इन महिलाओं को 2021 में फोर्ब्स सूची में प्रथम पांच स्थान में शामिल किया गया है। पहली है कमला हैरिस। दुनिया भर की दमदार महिलाओं की सूची में कमला हैरिस का नाम शामिल है। कमला हैरिस भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक हैं जो वर्तमान में अमेरिका की उपराष्ट्रपति पद पर कार्यरत हैं। उपराष्ट्रपति बनने वाली कमला हैरिस पहली एशियाई अमेरिकी महिला हैं जिन्होंने चुनाव में अपनी जीत से इतिहास लिख दिया। कमला हैरिस की माँ श्यामा गोपालन हैरिस चेन्नई की थी और एक कैंसर शोधकर्ता रहीं। साल 2009 में उनका निधन हो गया। वहीं कमला हैरिस के पिता डोनाल्ड हैरिस जमैका के रहने वाले हैं और स्टैनफोर्ड विश्वविद्यालय में पढ़ाते हैं। निर्मला सीतारमण। भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वर्तमान में देश की सबसे शक्तिशाली और दुनिया की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में शामिल हैं। निर्मला सीतारमण का नाम 2021 की फोर्ब्स सूची में भी है। निर्मला सीतारमण देश की पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री भी हैं जो लगातार वित्त मामलों को संभाल रही हैं। इससे पहले निर्मला सीतारमण देश की रक्षा मंत्रालय का कार्यभार भी संभाल चुकी हैं। बतौर महिला निर्मला सीतारमण भारत की रक्षा मंत्री भी रही हैं। साई इंगवेन। छोटे से देश के बड़े हौसलों के साथ नेतृत्व करने वाली नेता साई इंगवेन दुनिया की सशक्त महिलाओं में से एक है। साई इंगवेन ताइवान की पहली महिला राष्ट्रपति हैं। उन्हें साल 2020 में ताइवान का राष्ट्रपति बनाया गया। साई इंगवेन ताइवान सरकार के लिए पहली बार 1993 में काम करना इन्होंने शुरू किया था। साल 2000 में चैन सुई व्यान तब ताइवान के राष्ट्रपति बने तो साई को उन्होंने पहली बार मंत्री बनाया। लेकिन साई तब तक किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़ी थी। बाद में साई ने राजनीतिक कदम रखा। साल 2016 में राष्ट्रपति चुनाव में उन्हें प्रचंड बहुमत मिली। उनकी जीत ऐतिहासिक रही। वह देश की पहली राष्ट्रपति थी जिन्होंने देश की राजधानी ताइपे का मेयर पद ही भी नहीं संभाला था। किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक न रखने वाली साई एशियाई देशों की पहली महिला राष्ट्राध्यक्ष है। उनकी लोकप्रियता के चलते साल 2020 में साई को दोबारा प्रचंड बहुमत से राष्ट्रपति चुना गया। जैसिंडा अर्डन। कोरोना काल में न्यूजीलैंड और यहां की महिला प्रधानमंत्री का नाम सुर्खियों में रहा। न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री जैसिंडा कैट लॉरेल अर्डन ने कोविड-19 के कारण अपनी शादी रद्द कर दी थी। पहली बार साल 2008 में हुए आम चुनावों में जैसिंडा को सांसद के रूप में प्रतिनिधि सभा के लिए चुना गया। वहीं साल 2017 में उन्हें देश का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। जैसिंडा ने राजनीति में आने से पहले प्रधानमंत्री हेलेन क्लार्क के कार्यकाल में एक शोधकर्ता के तौर पर काम किया था। बाद में वह ब्रिटेन के प्रधानमंत्री टोनी ब्लेयर की नीति सलाहकार भी बनी। मेलिंडा गेट्स। फोर्ब्स 2021 की सशक्त महिलाओं की लिस्ट में मेलिंडा गेट्स का नाम भी शामिल है। मेलिंडा गेट्स एक अमेरिकी व्यवसायी महिला और समाज सेविका हैं। मेलिंडा विश्व धनी बिल गेट्स की पूर्व पत्नी हैं। मेलिंडा पूर्व कंप्यूटर साइंटिस्ट और माइक्रोसॉफ्ट की जनरल मैनेजर रही हैं। मेलिंडा माइक्रोसॉफ्ट बॉब, माइक्रोसॉफ्ट इनकार्टा और एक्सपीडिया कार्यक्रम के लिए प्रोजेक्ट मैनेजर भी रही। पति बिल गेट्स के साथ मिल मेलिंडा ने बहुत सारे क्षेत्रों में काम किया जिसमें स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण क्षेत्रों का विकास शामिल है।